Good morning dear student i hope you all are fine and keeping safe at your home children in yesterday class we will learn about the nature of ant and grasshopper that both have different nature and, ant is very hard working and grasshopper is very lazy then we will read we read ant was working hard to collect its food for winter but the grasshopper, enjoying the summer, he did not want to work. Now let's start reading. You all open page number 48. Now let's read. I am preparing to lay up food for the winter. सेड एंड जब ग्रास ऊपर ने क्वेश्चन किया कि तुम समर सीजन में मेरे साथ क्यों नहीं एंजॉय कर रही हो मेरे पास क्यों नहीं आ रही हो उसे टीच करने की कोशिश कर रहा था तब एंट ने उसे रिप्लाई किया आई एम प्रिपेयरिंग टू ले अ फूड फॉर द विंटर मैं क्या कर रही हूँ खाना कलेक्ट कर रही हूँ विंटर के लिए सैड एंट सून द विंटर कम एंड सजेस्ट यू टू डू द सेम तुम भी एक काम करो मेरी तरह ही हार्ड वर्किंग करो ताकि हमें विंटर सीजन में वर्क नहीं करना पड़े वाई बोदर अबाउट विंटर वी हैव प्लेंटी फूड एट प्रेजेंट सेड ग्रास ओपर ओपर ने क्या कहा कि हमारे पास अभी बहुत सारा खाना है तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो इतनी परेशान क्यों हो रही हो वॉट विल यू डू वैन देयर विल बी नो सन एंड नो फूड आस्ट एंट ने ग्रेस ओपर को क्वेश्चन किया कि अगर मान लो तुम क्या करोगे जब अगर कोई सन नहीं होगा मतलब उस समय फूड नहीं होगा हमारे पास और हमारे पास सन भी नहीं होगा खाना कलेक्ट करने के लिए क्योंकि विंटर सीजन में तो सन बहुत कम नज़र आता है ना सर्दी बहुत तेज़ होती है तो तुम कैसे कलेक्ट करोगे खाना कैसे क्या करोगे ग्रास ओपर लाफ्ड अवे तो ग्रेस ने ये बात सुन करके हंसना स्टार्ट कर दिया डोंट टू ट्राई टीच मी लेट्स मी इन्जॉय द समर उसने क्या कहा तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो मैं क्या कर रहा हूँ अभी समर सीजन का लुफ्त उठा रहा हूँ एंड वेंट ऑन हिज वे एंड कंटिन्यू इट्स हार्ड वर्क उसने क्या करना उसने उसकी बात सुन ली और वो अपने काम पे वापस चली गई उसने समझाने की कोशिश करी ग्रह सौ को लेकिन वो नहीं समझा द वेदर टर्न कोल्ड यानि कि अब क्या आ चुकी थी सर्दियाँ आ चुकी थी ऑल द फूड लिइंग इन द फील्ड वॉज कवर्ड कवर्ड विद अ थिक ऑफ ब्लैंकेट ऑफ स्नो यानि कि अब क्या हो चुका था सर्दियाँ आ चुकी थी और सारा जो खाना वहाँ पे फील्ड में रखा हुआ था वो सब कवर्ड हो चुका था विद अ थिक ब्लेंकेट ऑफ स्नो यानी बहुत ज्यादा सर्दी हो चुकी थी और उस स्नो के कारण सारा खाना अब ढक चुका था एंट वेंट इनसाइड द एंट हिल लीव कम्फर्टेबली इन द कॉलोनी अब एंट ने क्या करा उसने खाना कलेक्ट कर लिया और वो अपने हिल में वापस चली गई और सर्दियों के सीजन में अच्छे से कम्फर्टेबली अंदर रुकी हुई थी और आराम से इंजॉय कर रही थी सर्दी का एज सम डे पास्ट बाय एंड कुछ दिन बीतते हैं ग्रास फाउंड इट्स सेल्फ डैंग टू डैंग ऑफ हंगर उसने क्या महसूस किया ग्रास ओपर ने अब सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी थी उसने खाना अपने लिए कलेक्ट नहीं किया था तो अब उसकी ऐसी स्थिति हो चुकी थी कि वो अब मरने लग गया था यानि कि उसको ऐसी फीलिंग आने लग गई थी कि मैं अगर ज़्यादा भूखा रहा तो मैं मर सकता हूँ ही स्टेगर्ड टू द हिल एंड सो द एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ग्रैंड फ्राम टू ईट यानी कि अब क्या हो रहा था जो ग्रेस ऑपर था वो कहाँ आता है एंट हिल के पास बिल्कुल डगमगाया हुआ वो बिल्कुल लड़ कर आ रहा था भूख के कारण एंड सो द एंडस वो देखता है कि जो वहाँ की एंड्स थी वो क्या कर रही है अब खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रही है आपस में ही प्लीडेड आई एम योर फ्रेंड अब वो क्या कहता है वो कहता है आई एम योर फ्रेंड आई एम डाइंग ऑफ कोल्ड एंड हंगर यानी कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ प्लीज़ हेल्प मी तुम मेरी मदद करो क्योंकि मैं मर रहा हूँ भूख से और ठंड से प्लीज़ लेट मी इन मुझे अंदर ले लो एंड रिप्लाइड आई एम सॉरी फ्रेंड ही इज कॉल्डेड ग्रेस ओपर फॉर हिज आल्डलनेस अब एंट ने क्या करा उसे बहुत ज़्यादा डाटा और कहा आई एम सॉरी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती हूँ क्योंकि तुमने हमारी बात नहीं सुनी टर्न हिज बैक ऑन ग्रास ओपर एंड वेंट इन हिज एंट हिल अब फिर चीटी ने क्या कहा उसको पीठ दिखाकर अपने हिल में वो वापस चली गई सो so, चिल्ड्रन कैसे लगी आपको स्टोरी अच्छी थी अब इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है क्या मॉरल मिलता है कि हमें हार्ड वर्क करते रहना चाहिए और हमें वर्तमान के साथ साथ अपने भविष्य का भी सोचना चाहिए अगर आपको पेपर में पास होना है अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा हार्ड वर्क करना पड़ेगा पहले से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी तभी तो आपको अच्छे नंबर आएंगे ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम से पढ़ लोगे और एकदम से अच्छे नंबर आ जाएंगे ऐसा तो नहीं होता है ना अब आपको क्या करना है इस चैप्टर को घर पर अच्छे से पढ़ना है